नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। और अब वक्त हो गया खबरें फटाफट का। राजस्थान के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र पर हुई वोटिंग। 16 किलोमीटर पैदल चलकर बूथ तक पहुंचे थे मतदान कर्मी। नोएडा के सेक्टर 113 स्थित अम्रपाली सोसाइटी में कार में लगी आग, दो लोग जिंदा जले, पुलिस ने शव निकाले बाहर। यहूदियों पर किए गए एक ट्वीट से 7.5 करोड़ डॉलर का हुआ नुकसान। एलन मस्क CX को लगा बड़ा झटका। यूपी में मिड डे मील की अब होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग, दोपहर के भोजन के बाद दी जाएगी अपडेट। दिल्ली में घूम रही सिंगापुर दूतावास की फर्जी नंबर वाली कार से मचा हड़कंप, पुलिस और विदेश मंत्रालय हुआ अलर्ट। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों द्वारा घाटी मुख्यालय नियमित कोचिंग, पुलिस से भी धक्का मुक्की। दिल्ली की सड़कों पर फिर दौड़ेगी बाइक टैक्सी, उपराज्यपाल की मंजूरी, अगले हफ्ते जारी हो चुकी है। जम्मू में सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर है लश्कर के पाकिस्तानी दहशतगर्दारी के मददगार, संदिग्धों पर गहरी लगी गई नजर। पंजाब में कोहरे का कहर शुरू, पंजाब की कोटकपुरा में आपस में टकराए छह वाहन, कई लोगों को आई चोट, एक गंभीर रूप से घायल। नोएडा के सेक्टर 119 में भीषण हादसा, चलती कार में लगी भीषण आग, जिंदा जलने से दो लोगों की मौत। हरियाणा के गुरुग्राम में एक हफ्ते के बच्चे की गला रेतकर हत्या, सड़क पर फेंका शव, जांच में जुटी है पुलिस। इसराइल को अब और हथियार नहीं देगा अमेरिका, बाइडेन के बयान से दुनिया में मची हलचल। राजौरी में दो संदिग्ध आतंकियों की मिली सूचना, सेना और पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। गाजियाबाद जिले में सरफराज नाम का एक हॉल भी पिछले 8 सालों से झाड़पुर के नाम पर बीमार लोगों का धर्म परिवर्तन करवाना था, मॉल भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में फाइटर जेट तेजस में भरी उड़ान, कहा पीएम मोदी ने कहा इसे बेहतरीन एक्सपीरियंस। राहुल गांधी की बढ़ सकती है मुश्किलें, बीजेपी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने की हुई मांग। बिहार की राजधानी पटना के चिड़ियाघर के परिसर में शुक्रवार देर रात आग लग गई, घटना में 12 से अधिक ई रिक्शा जलकर खाक हो गए। फिर 11 हाथों से लिया गया सबक, खुदाई के साथ सुरंग में बिजली की पाइपलाइन, NHAI ने जारी किया एडवाइजरी। पीलीभीत में SSB के जवानों ने बारूद के साथ नेपाली युवक को दबोचा, मानो टांडा थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में आज नहीं बिकेगा मास्क, साधु TL बासवानी की जयंती पर मीट फ्री डे घोषित, लोगों ने जताया आभार। लुधियाना में नशेड़ी चालक ने रेलवे ट्रैक पर दौड़ाया ट्रक, इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी गई गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस। अखिलेश यादव की भाजपा के वोट बैंक में सेम भारी की कोशिश, पिछले दलित और अल्पसंख्यक की हिमायत के साथ सपा को चुनाव दिलाओ। पश्चिम बर्धमान के कुलजी रेलवे स्टेशन पर लगी भीषण आग, मौके पर मच गया हड़कंप, फौरन फायर ब्रिगेड और RPF की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया। हरियाणा में सरकारी स्कूल मूलभूत सुविधाओं को मुहताज, हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग पर लगाया 5 लाख का जुर्माना। हरियाणा के एसोसिएट प्रोफेसर के पदोन्नति आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, नोटिस जारी कर सरकार से मांगा जवाब। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।